नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार। सूबे में कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर सरकार लॉकडाउन का फैसला लिया था और 16 अगस्त तक लॉकडाउन किया गया था। हालांकि यह अवधि अब समाप्त होने की कगार पे है, पूरी होने के कगार पे है। ऐसे में लोगों की जो है इच्छा जागृत हो रही है कि लॉकडाउन को फिर से बढ़ाया जाएगा या फिर ख़त्म किया जाएगा। खासकर व्यवसायी वर्ग के लोग जो कि लॉकडाउन के कारण ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि सभी तबके के लोगों को लॉकडाउन से परेशानी के सामना करना पड़ा है, लेकिन जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं उनको लॉकडाउन की मार ज़्यादा झेलनी पड़ी है। हमारे साथ भागलपुर मेफेयर होटल के ऑनर नवीन जी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन की तो खैर अवधि पूरी हो ही गई है, ऐसे में क्या एक व्यवसायी वर्ग की क्या मांग होती है, क्या इच्छा होती है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या फिर लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। पहले तो सिल्क टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनजीवन पे छोटे वर्गों के लोग जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उन लोगों को बहुत प्रभावित पड़ा है। उन लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। छोटे मध्यम वर्ग वाले तो कुछ दिखाते ही नहीं हैं कि सो मेरे पास कुछ समस्या भी है, लेकिन उन पर भी इस महामारी का बहुत मार पड़ा है। तो हम लोग तो सरकार से ये अपील करेंगे कि सो अब ख़त्म कर देना चाहिए। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने। कहा भी गया है कि सांसों से ये ज़्यादा फैलता है, तो इससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। मास्क हमेशा पहने। मास्क पहनने से ये बीमारी पर बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए मास्क पहने, डिस्टेंस बना करके रखें और बीमार लोगों से थोड़ा सा दूरी रखें, घर में रहें। बूढ़े बुजुर्ग को तो घर में ही रहना चाहिए, बच्चे बच्चे को घर में ही रहना चाहिए, इसे फैलेगा कम। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जांचों में स्पीड लाएं। जांच करेंगे तो जल्दी जल्दी इस पर कवर्ड भी होगा और घर घर जा कर के जाँच करना चाहिए। घर घर जाने से क्या होता है कि बाहर में लोग नहीं निकलते हैं, जो बीमार हैं वो बीमार ही घर में ही रहेंगे। अब इस सब चीज़ को देखते हुए छोटे तबके के स्टाफ, खास करके होस्ट जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, इतने स्टाफ घर में बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं है। मेरे पास भी इतने इतने स्टाफ थे, मैं आधे से भी कम में काम चला रहा हूँ। ऑनलाइन सारा मैंने सुविधा दिया हुआ है कि घर पे अपना खाना मंगाएं, घर पे ही खाएं, डिस्टेंस बना करके रखें, हाइजीनिक बूट खाएं। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और लॉकडाउन को समाप्त कर देना चाहिए। आखिर कब तक ये चलेगा? चलेगा अब धीरे धीरे ख़त्म भी होगा और अब बहुत ऊंचा चीज़ हो गया, बहुत स्टाफ लोग पर। जांच में तो खैर तेज़ी सरकार ला ही रही है, खासकर बिहार में जो है प्रतिदिन का जो है जांच प्रक्रिया है 1 लाख के पार है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, आप जैसे छोटे बड़े जो भी हैं शहर में और खासकर गांव कस्बे में भी, तो लॉकडाउन से तो उनकी ज़िंदगी प्रभावित हुई ही है, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, काफ़ी मार झेलनी पड़ी थी लॉकडाउन की। खासकर अब देखा जाए तो चुनावी प्रक्रिया की सुगबुगाहट तेज हो गई है, लेकिन कोरोना जो है उसका कहर कम नहीं हुआ है, पहले से ज़्यादा है, लेकिन लोग जो है निडर हो गए हैं, वो घूम फिर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि कितना प्रभाव पड़ा है जब आपके लॉकडाउन से पहले जब आप कारोबार में थे और अभी जो लॉकडाउन के दौरान जो आपने समय बिताया, तो कितना कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है? बहुत बहुत बहुत। हमको लगता है कि ये परसेंटेज अगर कहा जाए 80% प्रभावित हो गया तो एकदम सही। एकदम ग्राहक हैं ही नहीं, कस्टमर हैं ही नहीं। ऑनलाइन भी खाएंगे तो कितने आदमी, जिनको जानकारी है, बहुत लोग तो ये भी समझ रहे हैं कि रेस्टोरेंट क्लोज है या ये है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब चीज़ खुला ही हुआ है। लोग घर पे मंगा करके खाएं। और अब चुनाव का भी सुगबुगाहट, सही बात है, हो भी गया है, सरकार भी इस पर ध्यान दे ही रही है, लेकिन ये डिस्टेंस बना करके ही समाप्त होगा। ये बीमारी तुरंत तो ख़त्म होने वाली है नहीं, ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपने स्वतः ख़त्म हो जाएगी। दवाई ववाई भी कुछ आ गया है, जो भी हल चल रहा है तो उसी से ये है, लेकिन खोल देना चाहिए, क्योंकि जो आदमी का बहुत बुरा हाल है। जो लोग खासकर इस ऑनलाइन जो आप सुविधा दे रहे हैं खाना घर तक पहुंचाने का, तो ये एक अच्छा सेफ सुरक्षित तरीका है, लेकिन लोग कैसे इसको ऑर्डर करेंगे ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि आपके शॉप से तो जोमेटो स्विगी तो हम लोग हैं ही एंट्री, लेकिन वो डायरेक्टली मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन करके भिजवा देते हैं खाना। फ़ोन कैसे करेंगे, नंबर तो उनको पता है? हम मेफेयर का गूगल वगैरह पे खोजेंगे, मेफेयर रेस्टोरेंट भागलपुर तो नंबर आ ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ से आसानी से नंबर भी मिल जाएगा, ऐसे 40 38 53 नंबर भी है,
वो बेसिक नंबर है मेरा 9431274845 है ही नंबर, तो वो केक वगैरह या खाने पीने का कोई भी नॉन वेज वेज थाली सब से जो भी खाना चाहेंगे वो खाने पे ऑर्डर अपना करेंगे और उनको भिजवा दिया जाएगा। होम डिलीवरी एक सुविधाजनक आराम से पहुंचा। कीमत बढ़ा दी गई है पहले से? कोई कीमत नहीं, कीमत क्या बढ़ाएंगे, कीमत तो सब कोई महामारी इसके कारण तो आखिरी सवाल होगा कि चुनाव होनी चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली जो परिस्थिति और स्थिति है उसमें तो चुनाव नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम लोग नया कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो समय पे चुनाव होकर के नई सरकार भी बननी चाहिए। तो हमारे साथ भागलपुर शहर के मेफेयर होटल के ओनर नवीन जी थे, और खासकर हम आपको बता दें कि कोरोना का कहर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लोग निडर हो गए हैं, लेकिन सावधानी ज़्यादा बरतने की अब ज़रूरत है। और इस लॉकडाउन में सभी वर्ग के व्यवसायी वर्ग के लोगों को यह लॉकडाउन प्रभावित करा था, छोटे से लेकर बड़े तबके तक के जो व्यवसायी वर्ग के लोग थे उनको इसकी मार झेलनी पड़ी थी। और ख़ासकर अभी इस ऐसे समय में देखा जाए तो ऑनलाइन सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं, अगर आपको कहीं बाहर का खाना खाने का मन हो तो नवीन जी जो है मेफेयर होटल के जो ऑनर हैं ये सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं, खासकर भागलपुर शहर में, तो ऑनलाइन आप खाना मंगा सकते हैं और सुरक्षित और सेफ भी है। तो हमारे साथ नवीन जी थे और मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।